हेलो एवरीवन, नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी डिफरेंस है। मैं आपको आज दिखाना चाहूँगी कि मेरे गार्डन में बहुत सारे संतरे ग्रो हुए हैं। रियली बता रही हूँ, अभी छोटे छोटे हैं बिकॉज ऑफ मेरा जो पॉट है केवल 10 इंच का है। दैट्स वाई इसमें जो संतरे हैं अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन धीरे 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 ये बड़े होंगे क्योंकि मंथ ऑफ फरवरी चल रहा है। तो आपको पता है कि संतरे अभी बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो अभी छोटे छोटे बहुत सारे ग्रो भी हो रहे हैं। तो अब इस समय इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह का इन्हें माइक्रो न्यूट्रिशन देती हूँ और खाद किस तरह की देती हूँ। कई बार मैं होममेड भी बनी हुई खाद दे देती हूँ और कई बार बाहर की भी दे देती हूँ। तो ये मैं आपको होममेड बताना चाहूँगी। ये प्याज के लहसुन जो भी आप किचन वेस्ट होता है उसको आप पानी में डालते जाइएगा, तो ये ओनली केवल प्याज के लहसुन है। इसमें पोटेशियम होता है लॉट्स ऑफ मात्रा में, यू नो, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका कलर पिंक हो जाता है, तो ये अगर आप पौधों को देंगे जब वो फ्लावरिंग कर रहे हैं या फ्रूटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मैं पौधे में से जो खरपतवार जितनी भी है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पौधे के जितने न्यूट्रिशन है सब खा जाते हैं। दोस्तों, मैं हर एक प्लांट में काउ डंग यानी गोबर की खाद जरूर डाल देती हूँ। धीरे धीरे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता रहता है, नाइट्रोजन पोटेशियम भी यू नो काउ डंग में होता है। दोस्तों, मैं प्लांट लवर हूं और मेरे टेरेस गार्डन पे लगभग 150 से भी ऊपर प्लांट रखे हुए हैं, तो इस तरीके का पानी मैं देती रहती हूं। किचन वेस्ट आप कुछ भी डाल दीजिए, लहसुन, अदरक और आलू या किसी के भी छिलके हैं आप डालते रहिएगा, और इस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैं अपने पौधों में, क्योंकि बहुत सारी यू नो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है, तो इस समय इसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आप देते रहिएगा अपने पौधों को। अगर आप थोड़ा बहुत भी गार्डनिंग पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट बनने वाली है। तो अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये DNP है, यू नो, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। जब आपके पौधे फ्रूटिंग कर रहे हो, फ्लावरिंग कर रहे हो, तब आप इसके कुछ दाने डाल सकते हैं। 14 इंच का पॉट है तो 14 ही दाने डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा दाने डाल दिए दोस्तों तो आपका पौधा मर जाएगा। रियली बता रही हूँ, इसमें इतना नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जो आपके पौधों को ख़त्म कर देगा। इसीलिए इसकी क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखें। मुझे गार्डनिंग करते हुए आज लगभग 8-10 साल हो चुके हैं, तो मुझे नॉलेज है। तो इस वक्त ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, तो घर की खाद से भी ज़्यादा आपको और न्यूट्रिशन भी देने पड़ते हैं। तो ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, DNP होता है, चाहे आप इसे नर्सरी की शॉप से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप दाने डाल दीजिए, धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे तो ये अंदर ऑब्जर्व करता जाएगा और पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं, मेरे वाकई में मैं तो इन संतरों को देख के वाकई में पागल हो रही हूँ, क्योंकि ये अब संतरों का मौसम है। लेकिन अभी ये छोटे छोटे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी छोटा सा लिटिल संतरा। ओ माई गॉड, टू मच, यू नो, खट्टा पर मज़ेदार है वाकई में, क्योंकि घर के होममेड फ्रूट्स होते हैं और पेस्टिसाइड भी नहीं मैंने इसमें डालती बिल्कुल भी, तो बहुत ही अच्छा है। आप भी ऐसे अगर गार्डनिंग करते हैं तो शौक रखिएगा गार्डनिंग का। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिएगा। आप नहीं करते हैं, खुशी मिलती है। तो थोड़ा सा यू नो मेरे ब्लॉग से और मेरे डांस से हटकर है गार्डनिंग की वीडियो मैंने डाली है। बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।